हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ JNP स्पेशल चरण की तरफ से। और आज आप लोगों को बता दूँ कि जहाँ पर एक तरफ सरकार एकदम मूड बनाकर आगे भर्ती प्रक्रिया को बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो भर्ती प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इस भर्ती में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी एरर्स देखने को मिली, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले, बहुत सारी न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। और जैसा कि अभी आप लोग देखें कि 2-3 दिन से एक IPS अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर करके, वो इस भर्ती में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी में धांधली किया गया है। और हम लोग भी ये जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, कन्फर्म है गड़बड़ी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, गड़बड़ी माना जा रहा है। सबको पता है, सरकार को पता है, सबको पता है, ऐसा कोई आदमी ना हो जिसको नहीं पता हो, सारी चीज़ें पता है, सब चीज़ें, सारे प्रूफ, सारे एविडेंस, सब चीज़ें टहल रहे हैं, लेकिन कोई इस पे कुछ कह नहीं रहा है। कहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, योग्यता की बात हो रही है जहाँ पे, तो ऐसे ही लोगों को भर्ती में कराया जा रहा है, ये सही बात नहीं है, सही चीज़ें नहीं हैं। और जिस तरह से अमिताभ ठाकुर सर इस वैकेंसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सर कुछ न कुछ तो इस वैकेंसी में करेंगे और देखा जाएगा आगे क्या कुछ होता है। और सर जी का व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ID पब्लिश हो रहा है हर जगह पे, चाहेगा तो हम भी दे देंगे आपको। और अगर किसी के पास कुछ साक्ष्य मिलता है, कुछ एविडेंस मिलता है, तो सर को व्हाट्सएप कर दे, सर सर को इसमें सहयोग मिलेगा। तो जैसा कि देखा गया कि एक तरफ वैकेंसी को फंसाने की, मतलब रोकने की कोशिश हो रही है, पूरी तरह से रोकने की कोशिश हो रही है, रोकने वाले ग्रुप ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि जानते हैं वो लोग इसमें वैकेंसी में बहुत बहुत सारा करप्शन भरा हुआ है। और एक तरफ सरकार ये ठान ली है कि इसको पूरा करा कर तभी दम लेंगे, इससे कोई समझौता नहीं, वैकेंसी ना कराने का कोई भी 1% भी विचार नहीं है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हर ज़िले में, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में नोटिस जा रही है, नोटिस पहुंच गई है हर डिस्ट्रिक्ट पर कि भाई काउंसलिंग होने वाली है, 3 से 6 जून के बीच काउंसलिंग होगी। और आशा करते हैं कि जो ये मेरिट लिस्ट है, लगभग 26 तारीख के बाद आपको देखने को मिल जाएगी, 26 तारीख का डेट है, लास्ट लास्ट डेट है। और जो सुनवाई हुई थी उत्तर कुंजी को लेके, वो अब उसका डेट 28 तारीख को बढ़ा दिया गया है। और हमको लगता है बहुत सारे ग्रुप ने याचिका दायर कर दिया है, देखिए इस पे क्या कुछ होता है, क्या कुछ होने वाला है। वैसे तो लग रहा है कुछ कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो पहले ही खारिज करता सर, मतलब गवर्नमेंट, सॉरी हाई कोर्ट। लेकिन अभी देखिए इस पे कुछ सुनवाई होगी, और अगर कुछ अच्छे साक्ष्य मिलते हैं, जिन भाइयों को अच्छे साक्ष्य मिलते हैं वो ज़रूर पहुँचाएँ, मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9839131798, मेरा नंबर है 9839131798, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं इनके पास साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है भैया। तो इस तरह से आपको सारी खबर मिलती रहेंगी, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल को। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें, अगर कोई त्रुटि हो ज़रूर बताएं दोस्त। ओके, जय हिंद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।